आज मजे की उर्दू का दूसरा सेशन है। इंशाल्लाह इस सेशन में हम पढ़ने और लिखने के बारे में बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था कि तदरीसे जुबान की तदरीस तदरीसे जुबान में चार लिसानी महारतों को फोकस किया जाता है, हदफ बनाया जाता है, जिनमें से खास तौर पर सुनने और बोलने यानी गुफ्तगू शनीद की सरगर्मियों पर पिछली दफा हमने बात की थी। किसी हर्फ को पढ़ाने के लिए सुनने और बोलने की कौन सी सरगर्मियां हो सकती हैं? इसमें खास तौर पर हमने कहानी और नज्म को तवज्जो से पे अहमियत की अहमियत पे बात की थी। आज हम पढ़ने और लिखने के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह, और हम ये बात साथ साथ दोहराएंगे कि यहाँ पर इन दोनों महारतों को की नशोनुमा के लिए सुनने और बोलने की महारतें जो है वो क्या किरदार अदा करती हैं। जरा अगली स्लाइड में देखें। सबसे पहले जरा थोड़ा सा ये कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं लिखने और पढ़ने के हवाले से, आपकी राय जानना चाहती हूँ। आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? वो क्या पढ़ सके, क्या लिख सके, किस उम्र तक वो क्या सीख सके सके किस क्लास में क्या सीख सके, ये पूछना जा रही हूँ। मतलब अगर वो पढ़ने की इस्तेदाद की हम बात करें तो आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं कि वो अगर प्रेप क्लास के अंदर हो तो वो क्या क्या पढ़ सके, उसे क्या लिखना आता हो। शुक्रिया जफर साहब, आपने बताया कि 3 से 4 हरफी लफ्ज़ जो है वो पढ़ सके। पहले हम इसी तरकीब पे के हवाले से बात कर लेते हैं। ये जो से हरफी और 4 हरफी अल्फाज है ना, ये दरअसल तरकीबी तरीके की इस्लाहात हैं। अगर आज के ज़माने में सौती तरीका इस्तेमाल हो रहा है तो ये उसकी इस्तेलाहात नहीं है। यहाँ पर 3 हरफी और 4 हरफी लफ्ज़ नहीं होते, बल्कि यहाँ पर सौती तरीके के कुछ ऐसे उसूल काम करेंगे जिनको पढ़ के बच्चा कुछ लफ्ज़ बनाएगा। जैसे हमने पिछली दफ़ा भी कुछ खानदगी के कायदों पे बात की थी, खानदगी पढ़ने को कहते हैं, पढ़ने लिखने को। इंशाल्लाह इस हवाले से हम आगे चलते हैं। बच्चा 2 हरफी 3 हरफी लफ्ज़ के अलावा हम ये देखेंगे कि किन कवायद के तहत वो बच्चा जो है लफ्ज़ पढ़ सके। जी नेक्स्ट स्लाइड पे। आज हम बिलवास्ता मकासिद देखते हैं जो पढ़ने और लिखने से बच्चे को हासिल होते हैं। जब बच्चा पढ़ना सीख लेता है, लिखना सीख लेता है, उसे खुशी मिलती है, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है और पढ़ने और लिखने की। उसमें खुद मुख्तारी को महसूस करता है। जाहिर है ये ऐसी खुद मुख्तारी है कि पहले अगर उन्हें कहानी सुननी हो बच्चे को, तो वो कहानी की किताब किसी बड़े के हाथ में पकड़ाते हैं, हमें कहानी सुना दें। और एक वक्त आता है वो खुद कहानी पढ़ने के काबिल होते हैं। क्या उनका गिफ्ट लिख के बना के कोई और उसके ऊपर नाम लिखता था कि ये नानों के लिए, ये खाला के लिए, ये भाई के लिए, अब वो खुद लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये खुद मुख्तारी है। लिखाई के असल तरीके का इल्म जो है वो इनके बिलवास्ता मकासिद के अंदर शामिल है। पढ़ने और लिखने से जखीरा अल्फाज में इजाफा होता है, तहरीर के मुख्तलिफ असनाफ का इल्म आता है, सोचने बोलने और ख्यालात के इजहार की सलाहियत में इजाफा होता है, नतीजतन एक पुर एतमाद और कामयाब शख्सियत की नशोनुमा होती है। आगे चलते हैं। देखिए, पढ़ने और लिखने की सलाहियत की बुनियाद सुनने और बोलने पर है। हेलन केलर को याद कीजिए, वो 19 माह की उम्र में
गर्दन तोड़ बुखार का शिकार हुई थी, जिसके नतीजे में उनके सुनने की सलाहियत खत्म हो गई थी और नतीजतन वो बोल भी नहीं पाई। और फिर जब उन्होंने बोलना सीखा तो मैं दाद देती हूँ उनकी उस मुअल्लिमा की, उनके उस्ताद की, जिनके चेहरे पे हाथ रख के वो चेहरे के अजाए सौत की हरकत को महसूस करके अपने अजाए सौत को हरकत देती थी और उस तरह के अल्फाज को बोलने की कोशिश करती थी। और फिर आखिर उन्होंने बोलना सीखा। ऐसे भी मुखलिस उस्ताद होते हैं। चले आगे चलते, तहरीर का आगाज कहां से हो? जी देखते हैं, देखिए इब्तदाई सतह जो है ना उसकी वो उसकी हद है 18 माह से 2 साल तक, यानी 18 माह आप क्या कहेंगे, 1.5 साल। आप हैरान हो रहे हैं, ठीक है, अपनी हैरानी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, चैट बॉक्स है आपके पास। जी 18 माह वो उम्र है जिसमें बच्चे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो कोई आला तहरीर पकड़े, आपका कलम, बहन भाई की पेंसिल, कलर रंगीन पेंसिलें, मोमी के रंग जो होते हैं जिन्हें हम क्रेयॉन भी कहते हैं, वैक्स कलर्स, ठीक है, दादा नाना का कलम, मार्कर वगैरह, वो इन चीजों को पकड़ते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो 18 माह वो इब्तदाई उम्र है जिसमें बच्चा जो है वो तहरीरी मवाद या लवाजमात से आशनाई हासिल करता है। अब लवाजमात से आशनाई क्या, कहीं लिखी हुई चीज या हरूफ उसे अल्फाज मिलते हैं तो उसे ये अंदाजा होता है कि कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ा जाता है, यानी ये आशनाई की उम्र है। तहरीर के लिए आलात कौन से इस्तेमाल होते हैं, किन चीजों को पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये अपने इर्द गिर्द के माहौल में बच्चा जो है वो इसका मुशाहिदा कर रहा होता है। इस उम्र को हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, देखते हैं। आप जानते हैं कि बच्चे बोलने और सुनने के जरिए पढ़ने और लिखने की सलाहियत पैदा करते हैं। अगला एक सवाल जो है उसकी तरफ जाने से पहले हम जरा इस पे गुफ्तगू करेंगे। बोलने और सुनने का जो माहौल बच्चे के इर्द गिर्द पाया जाता है उससे बच्चे का लहजा जोर जुबानदानी की सलाहियत का अंदाजा होता है। बच्चे के माहौल में जो जुबान बोली जा रही हो, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, बरोही है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, जो भी जुबान पाकिस्तान में रहते हुए बोल रहा है या पाकिस्तान से बाहर है, जिस किस्म के माहौल और हालात में है, अरबी अपने इर्द गिर्द सुनता है, इंग्लिश सुनता है, फारसी सुन रहा है, इटालियन है, स्पेनिश है, जो भी जुबान, फ्रेंच है, ये सब के सब उसकी पढ़ने और लिखने की सलाहियत के पैदा करने में मुआविन और मददगार साबित होते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि पढ़ने और लिखने का आगाज स्कूल के पहले दिन से नहीं होता। जिस तरह किसान बीज डालने से पहले जमीन को हमवार करने पे कई हफ्ते और बाद वक्त महीने लगाता है, एक फसल जब काट ली जाती है तो दूसरी फसल की तैयारी के दौरान का वक्त जो है वो महीनों पर मुश्तमिल हो सकता है, हफ्तों पे मुश्तमिल हो सकता है, ऐसे ही उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो अब हम बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या बच्चे आपकी बात सुनते हैं, किस तरह। कुछ अंदाजा है इस बात का, बच्चे आपकी बात सुनते हैं नहीं सुनते, सुनते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि सुनते हैं। मोहम्मद साजिद साहब कह रहे हैं जी बच्चे बात सुनते हैं, कुछ थोड़ा सा अंदाजा। जब बच्चा आपकी बात सुनता है तो फिर क्या होता है, सवाल करता है, बच्चे के अंदर तजस्सुस है, खोज है वो अपने इर्द गिर्द के बारे में बहुत सारी चीजें पूछता है। कहानी की किताब आपके हाथ में पकड़ाता है और इसके बारे में पूछना शुरू करता है, ठीक है। आपने ये बच्चों के अंदर देखा होगा, बच्चा जो 1.5 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए तो वो बहुत सारी चीजों में प्रिटेंड करता है, मतलब वो बड़ों की तरह ऐनक लगाना चाहेगा, टांग पे टांग रख के लेटेगा, नाना बू या दादा बू की तरह अखबार पढ़ने की नकल करेगा, कहानी पढ़ने की नकल करेगा,
और वो मसरूफ दिखाई देगा, ठीक है, वो आपकी बात सुनेगा और उसमें से कुछ सवाल निकालेगा। देखिए ये तैयारी है, जिस तरह किसान जमीन को तैयार, किसान का जमीन को तैयार करना गैर अहम नहीं है और उस काम को अहमियत दी जाती है कि बीज डालने से पहले जमीन में हल चलाना, या अगर छोटी सी जगह अपने घर में हम कोई बीज फूल का किसी का या कुछ घरेलू सब्जी लेवल घरेलू सतह पर सब्जी लगाना चाहते हैं तो हम पहले गोडी करते हैं, नलाई करते हैं, है ना, कोई भी इसको गैर अहम नहीं कहेगा। लेकिन बच्चों के सवालों का जवाब देना और जो वो इस तरह की माहौल में बड़ों को नकल करते नजर आते हैं, इसका मजाक बनाना हमारे यहाँ बड़ा आम है, हम उससे लुत्फ भी लेते हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि कुछ बच्चे इसको माइंड बिगड़ जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है और बुरा मनाते हैं। तो दरअसल ये आगाज है, लिखने और पढ़ने के लिए बच्चा अपने आप को एक बड़े की सतह पर लाता है और वो ये जाहिर करता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये उसकी ख्वाहिश का इजहार है, हमें उसकी ख्वाहिश को इज्जत देनी है। आगे चलते हैं तो देखते हैं इससे अगली उम्र में बच्चे के अंदर क्या आता है। इससे अगली सतह पर उम्र 2 से 3 साल होती है तो बच्चे के अंदर एक खोज और जस्तजू का दायिया और ज्यादा नजर आता है, वो ये जानना चाहता है ये क्या लिखा है। हम बड़े उनके सवालों से अगर तंग ना आए तो इसका मतलब ये है कि हम इस जमीन पर हल चला रहे हैं, इसकी नलाई हो रही है, जड़ी फालतू जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं, तसल्ली से इत्मीनान से तहमुल से मस्बत अंदाज में कुछ पुरलुत्फ अंदाज में हंसी मजाक में उनकी बातों का खूबसूरत जवाब दीजिए, क्योंकि आप उस छोटे से मुन्ने से जहन को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करने जा रहे हैं। आगे चलिए, हम छोटे बच्चों के सवालों से बहुत तंग होते हैं। छोटे बच्चे सीखने के लिए बेताब होते हैं और खानदगी की सलाहियतें पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना सकते हैं। इस मरहले पर आपका बच्चा चाहता है कि उसके लिए पढ़ा जाए और वो किताबों या अल्फाज को देखे, इसके लिए हरूफ के ब्लॉक्स, तस्वीरी किताबें, ट्रैफिक के सादा इशारे, गीत, नज़में गाते और सुनते, खाने पीने की चीजों के पैकेट पर मुख्तलिफ तरह के जो निशानात बने होते हैं उनको देखते, वो अल्फाज के बारे में सीखता है। वो अभी पढ़ता नहीं जानता, वो सिर्फ ये सीख रहा है कि ये लफ्ज लिखे हुए हैं और उसको इसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी बड़ा होगा तो ये लफ्ज सीखने वो पढ़ने सीखेगा। जब हम बच्चे के सवाल से तंग आते हैं या उसके हाथों और पाओं की हलचल से और उसके इस्तेमाल से हम तंग पड़ते हैं तो हम कहते हैं भेजो इसको स्कूल, इसने बहुत तंग कर रखा है, यानी स्कूल का पहला तारुफ ऐसा होता है। हालांकि इसी चीज को कि उसके अंदर अब इतनी सलाहियत नजर आ रही है कि वो अपने हाथ पैर को इस काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया, अपनी समझ अपनी अकल को, तो उसके लिए रास्ता हमारे क्या जाए, आप ये कब सीखेंगे, आप भी ये पढ़ सकते हैं, आप स्कूल जाएंगे तो ये पढ़ना सीख लेंगे, थोड़े दिन है आपको ये सब आ जाएगा। अच्छा, बच्चा ये समझना शुरू करता है कि उसके ख्यालात भी तहरीर में आ सकते हैं, खा वो कागज पे हो या कंप्यूटर पर मोबाइल पर, ठीक है, उसके लिए वो कुछ लकीरें खींचना चाहता है और उसमें अमूमन उसको इस बात पर बड़ी जबरदस्त रद्द अमल का सामना करना पड़ता है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, कुछ खराब हो जाता है दुरुस्त, हमने उसे ये बताना है दीवार नहीं खराब करनी, इधर उधर आपा के भाई के बड़े अब्बा के नाना जान के कागजों पे लाइन होगी, उसके अपने कागज होंगे, उसकी अपनी चीजें होंगी। अगर वो दीवार पे लिखना चाहता है दीवार पे एक बड़ा सारा पुराना अखबार लगा दीजिए, फालतू चार्ट लगा दीजिए, हो सके तो एक छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए, चॉक बोर्ड, मार्कर वाला बोर्ड नहीं। अब जरा यहाँ पर ये बात भी हम कर लेंगे थोड़ा सा आगे के मार्कर वाला, मार्कर से क्यों लिखना, लिखने की बात मैंने की है, वो आगे इंशाल्लाह हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों की इस नशोनुमा की जरूरत आपके सामने बयान की है कि वो मरहला है जिससे वो जहनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को पढ़ने लिखने के लिए तैयार कर रहा है। आगे चलें, अब देखिए बच्चे तस्वीरों, इशारों और हरूफ को इस्तेमाल करने से किसी पढ़ने वालों की तरह की हरकतें शुरू करता है। मिसाल क्या है, किताब या ई रीडर या कंप्यूटर के माउस को पकड़कर पढ़ने वालों की तरह वो जाहिर करता है, कोई लिखने वालों की हरकतें शुरू करता है, मतलब पेंसिल हो गई, क्रेयन या मार्कर, और ऐसे जैसे वो बड़ों की तरह लिख रहा है, कीबोर्ड पर वो टाइप करता है, मोबाइल की स्क्रीन पर टच के जरिए कुछ जो है वो हरूफ या वगैरह लिखने की कोशिश करता है। ये प्लेडो जिसे नमूना बनाने वाली मिट्टी भी हम कह सकते हैं, उनसे हरूफ बनाता, कोई चीजें बनाता है या अपनी तरफ से हरूफ बनाता है। कहानी दोहराने के लिए अपनी याददाश्त और तस्वीरों दोनों को इस्तेमाल करता है।
उसे तजस्सुस बहुत होता है अपनी दुनिया के बारे में, वो बेशुमार सवाल करना चाहता है, चंद कर पाता है। जिस बच्चे को ऐसे माहौल मिल जाए कि उसके सवालों का खुशी से जवाब दिया जाए, उस बच्चे की जहनी सलाहियत और कारकर्दगी के अंदर जो इजाफा होता है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर पाएंगे। आगे चलेंगे। अब सबसे पहले तो हम लिखने के लिए की तरफ लाने के लिए हाथ की तैयारी पे काम करेंगे। देखिए, हाथ की तैयारी को हम पहले ईपीएल में भी इस पे गुफ्तगू करके आए हैं। ये क्या है कि हमने हाथ को, जो हमारे छोटे छोटे पट्टों पे मुश्तमिल है, जिसको हम फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट भी कहते हैं, हाथ के छोटे पट्टे हैं, फिर कलाई से कोनी तक, कोनी से कंधे तक के जो पट्टे हैं बड़े पट्टे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये डेवलप करने के लिए हम भागने दौड़ने वाले खेल जो होते हैं उसमें बच्चों को मसरूफ करते हैं और करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अलिफ सीधे और गोलाइयां गोल हों तो उनकी टांगे मजबूत होनी चाहिए। भागने दौड़ने वाले बच्चों की टांगे मजबूत होती हैं, साथ ही साथ उनके बाजुओं के और कलाई और कंधों के मसल पट्टे जो ना वो भी मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। लकीरें लगाना, तस्वीरें बनाना, ठीक है, ये एक ऐसी मशक है जिससे हाथ तैयार होता है। टेढ़ी मेढ़ी जो बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं ना, वो दरअसल आलाए तहरीर पर गिरफ्त में उन्हें मदद देती हैं। इसी तरह रंग भरना जो है, फिर ईपीएल की तमाम मशकें, आप याद करें ईपीएल की तमाम मशकें जो है ना, वो दरअसल हाथ की तैयारी भी कर रही हैं, वो आंख के पट्टों को भी मजबूत कर रही हैं कि आंख नजर जम सके। लिखने के लिए ये बात भी बहुत अहम है कि बच्चे की नजर जमे। पढ़ने और लिखने दोनों में जो सलाहियत काम आती है जो आंखों के पट्टों का मजबूत होना है। अगर बच्चा जोड़ हर्फ का जोड़ करने से मुकम्मल करने से पहले इधर उधर देखने लग जाए तो उसका मतलब है कि उसके आंखों के पट्टे मजबूत नहीं है, ताकतवर नहीं है, वो एक जगह ज्यादा देर टिकते नहीं है। इससे पहले कि लफ्ज का जोड़ मुकम्मल हो उसकी नजर वहां से फिसल जाती है, जम नहीं पाती। आगे चलते। देखिए, खुदरे हरूफ है, रेत की ट्रे है। अब ये जो है ये इब्तदाई तहरीरी महारतें हैं, ठीक है। अब खुदरे हरूफ पे उंगली फेरना किसी भी हर्फ को का लिखने का आगाज कहाँ से होगा और किधर को जाएगा, ये दरअसल हाथ के पट्टों की मशक भी है और दूसरा उस हरूफ के लिखने की मशक भी है। दो उंगलियों की मदद से खुदरे हरूफ के ऊपर दो उंगलियों को फेरा जाता है ताकि हर्फ की शक्ल जो उस बच्चे के जहन नशीन हो सके। अब देखें, ये एक हमा जहती हिस्सी सरगर्मी है जिसको हम कहेंगे मल्टी सेंसरी एक्टिविटी। किस तरह आंख से वो देख रहा है, उंगली से वो उसके ऊपर उंगली फेर रहा है, जिससे अपनी टेक्टाइल सेंस यानी लमस की जो हिस्सा है उसके जरिए ये इस हर्फ की शक्ल का पैगाम उसके दिमाग तक पहुंच रहा है। वो सारे बच्चे जो टेढ़ा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, हर्फ को सही जगह से शुरू नहीं कर पाते, हम अमूमन उनके लिए नए नए तरीके निकाल लेते हैं। मतलब हम जीम लिखने का तरीका सिखाते हैं तो हम कहते हैं सी लिख के ऊपर लाइन डाल लो, ये बहुत गलत तरीका है। इससे ज्यादा बेहतर ये कि जब तक आला तहरीर पे उनकी गिरफ्त नहीं बनती उनको बाकायदा लाइनों पे मत लिख ना लिखवाया जाए, सादा कागज पे बगैर किसी लकीर के जो कागज होता है उस पर हरूफ की शक्ल बनाए, वो उल्टी बनाए सीधी बनाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस मरहले से गुजर के सीधी बनाने पर आ जाएंगे। जब तक उनकी ये जो तीन उंगलियों वाली आला तहरीर पे गिरफ्त है ये भी मजबूत हो जाएगी, उनकी जो हाथ के पट्टे लिखने के अमल में हिस्सा लेते हैं, शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान का जो हिस्सा है ये वो पट्टा है जिसके ऊपर पेंसिल टेक लगाती है। ये पट्टा जो है वो लड़कों में 5.5 साल और लड़कियों में 4.5 साल की उम्र में औसतन मुकम्मल होता है। बहुत सारे इस्तेसना भी अपनी जगह पर हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों, कुछ लड़के ऐसे हों जिनका ये पट्टा शुरू से ही बहुत मजबूत हो, लेकिन बहरहाल लड़के जो हैं अल्लाह ताला की कुदरत है कि उनके पट्टों ने ज्यादा मजबूती इख्तियार करनी होती है, लिहाजा उनकी नशोनुमा में ज्यादा वक्त लगता है। इसीलिए छोटी क्लासेस के अंदर, छोटी जमातों में आपने देखा होगा लड़के लिखने में दिलचस्पी नहीं लेते, वो लिखने को से बचना चाहते हैं या रोते हैं, तो उस वक्त आला तहरीर यानी पेंसिल वगैरह से लिखवाने की बजाय उंगली से रेत की ट्रे में लिखवा लिया जाए, खुरदरे हरूफ पे उंगली फिरवाई जाए, ये जो नमूने की मट्टी होती है प्लेडो, इससे बच्चे हरूफ बना लें, ये भी दरअसल इब्तदाई तहरीरी महारते हैं।
आगे चले, ये देखिए रेत की, ये बच्चे ने देखें किस तरह अपना हाथ रखा हुआ है इसको, इस पे मजबूती कायम रखने के लिए बच्चे ने अपने उल्टे हाथ से खुरदरे रूफ को पकड़ा हुआ है और सीधे हाथ की दो उंगलियों से वो पे को ट्रेस कर रहा है। आगे आगे चलिए, ये देखिए ये बच्ची जिस ट्रे में काम कर रही है, जो हर्फ बना रही है, गलबन इंग्लिश का कोई लेटर है जैसे ओ, तो ये ना ग्रीन कलर है, ये दरअसल लकड़ी का बुरादा है जिसको रंगा जाता है, और अमूमन लोग इसको रंगीन होने की वजह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इसमें पेस्टिसाइड यानी कीड़े पैदा हो जाते हैं, इससे बचना चाहिए। इससे इसकी निस्बत जो ग्रे कलर की ये सुरमई रेत होती है ना, वो ज्यादा बेहतर है, कुदरती चीज है, और बहुत ज्यादा आपको इसके लिए वो कोशिश नहीं करनी पड़ती इसको हासिल करने के लिए, और उसका लमस जो है बच्चे पसंद भी ज्यादा करते हैं। अगली स्लाइड पे जरा देखते हैं, बच्चे जो प्ले डो से हरूफ बनाते हैं, देखिए बे जो है ना ये नमूने की जो मट्टी होती है प्ले डो या प्लास्टोसिन उससे बनाई हुई है, ये रेत की ट्रे में सीन लिखना है, ठीक है, ये बच्चे बहुत ज्यादा इसको शौक से करते हैं, और फिर ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ट्रे को शेक करें फिर दोबारा बना लें, बार बार बनाना चाहेंगे और बार बार उनके लिए ये चीज तैयार होगी। आगे चलते हैं, ये सारी इब्तदाई तहरीरी महारते हैं। अब देखें ये भी मेरी नजर में पढ़ना और लिखना है, बच्चा हरूफ का कार्ड पकड़ता है, उससे मुतल्लिका चीज, अब झाड़ी को उसने झ से मिलाया है, ठीक है, छे को उसने छ से मिलाया है, घोड़ा है, खजूर है आपके सामने, भालू है, ये सब चीजें जो है ना ये दरअसल इब्तदाई तहरीरी में मारते ही हैं, बच्चा कंप्यूटर पे टाइप करे या मोबाइल की स्क्रीन पे कोई हर्फ लिख रहा हो तो ये भी उसी के अंदर आता है, लेकिन बहरहाल मैं उन लोगों में से हूँ जो पहले 6 साल बच्चों के स्क्रीन एक्सपोजर के खिलाफ हैं। मेरे ख्याल में, और रिसर्च भी आपको बताती है कि बच्चों की जहनी सलाहियतें, खासतौर पर नजर जमाना, किसी चीज की तरफ ज्यादा देर तक मुतवज्जो होना, और कुछ सोच किसी सोच और फिक्र का पे बार बार गौर करना, सोचने के अमल को भी मुतासिर करती है, डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं उसकी उसकी थॉट, उसकी सोचने की सलाहियत के अंदर, वो ज्यादा देर किसी एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर सकता, उसे जो ऐसे बच्चों को जोड़ करने में बहुत ज्यादा मसाइल का सामना होता है। और देखें आप, जब से हमारे बच्चों ने हमारे घरों में इन चीजों का रिवाज पड़ा है, हमारे बच्चों की पढ़ने और लिखने की इस्तेदाद पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। आगे चले, अच्छा ये सवाल एक आया मैंने पहले इधर नहीं देखा, के दो उंगलियों से क्यों, जी ये बहुत अहम बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एक उंगली से क्यों नहीं दो उंगलियों से क्यों, रेत की ट्रे में एक उंगली से और खुरदरे हरूफ पे दो उंगलियों से, इसकी वजह यह है कि एक उंगली बाज़ात बच्चे की इतनी ही चौड़ी होती है, इतनी ही उसकी मोटाई होती है कि वो हरूफ रेगमाल वाले खुरदरे हरूफ के ऊपर फिर जाए, जब हम दो उंगलियों से करते हैं ना तो दोनों उंगलियां जिस सतह पर हरकत कर रही होती हैं वो उसमें हमवार सतह भी आती है और खुरदरी सतह भी, जिसके नतीजे में जो दिमाग में नक्श बनता है ना उसके हरूफ का वो मुकम्मल बनता है, दुरुस्त। आगे चलते हैं, अब देखिए हम आगे इंग्लिश पे भी जब बात करेंगे तो सामने आएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में इस तरीके से काम हो रहा है कि हरूफ तहजी को बिल्कुल शुरू में सारे के सारे हरूफ तहजी सिखाए भी नहीं जाते और इसी तरह तरतीब से नहीं सिखाए जाते, हम इसको आसान से मुश्किल की तरफ लेकर जाते हैं। अमूदी खतूत भी पे मुश्तमिल जो हरूफ है वो अलिफ और आ है, आ भी मैंने आपको बताया था कि अरकान में शामिल होता है। अब सीधी लाइन खींचना जब तक बच्चे की हाथ की ग्रिफ्ट मजबूत नहीं होती उसके लिए मुमकिन नहीं होता, तो पहले सबसे बे का खानदान सिखाया जाता है, ब प त ट और स, ठीक है, इसमें से भी अगर हम इंतखाब कर लें तो हम ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पहले जो 4 हरूफ है ना उन्हें सिखाएंगे। इसी तरह अमूदी और उफकी खतूत में से काफ गाफ रे अड़े रे, अब ये वो चीजें जिसमें अमूदी खत भी इस्तेमाल हुए उफके भी, फिर दायरवी खत जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं ये पहले सिखाए जाएंगे, और दायरवी हरूफ जो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा पेचीदा किस्म की हरकत जो है वो शामिल होती है, लिहाजा ये
चे है, जीम चे है, खे आइन गईन, ये सब जो है ना वो बाद में सबसे एंड में आखिर में सिखाया जाएगा। और जैसे मैंने पिछली दफा आपसे जिक्र किया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ना सीखने की सलाहियत कम होती है और वो वक्त भी ज्यादा लेते हैं। अब ऐसे बच्चों का इलाज उस्ताद अकेला नहीं कर सकता, माँ बाप को मिलाए बगैर। पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चे का माहौल कैसा है घर में। बहुत ज्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर हो तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए, खत्म हो सकता हो तो बहुत ही बेहतर है। दूसरी बात ये कि ऐसे बच्चों की खुराक क्या है। जो बच्चे बहुत ज्यादा मस्नूई मीठा लेते हैं, जैसे टाफियां हैं, टाफियां, गोलियां, कैंडियां, चॉकलेट, इस तरह की चीजें, ये बच्चे के को जहनी एतबार से गब्बी बनाती हैं। इवन हमारे घरों में जो चीनी इस्तेमाल होती है ये भी कोई बहुत ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसका जहन के उन पेचीदा हिस्सों पे बहुत ज्यादा असर है जहां पर जिनका ताल्लुक पढ़ने और लिखने से है। तो अक्सर जो माहरीन हैं जो लर्निंग डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं इन हवाले से, वो सबसे पहले बच्चे की आम गन्ने से बनी हुई चीनी मना करते हैं और बाजार से मिलने वाली जो मीठी चीजें हैं। जिस बच्चे को जितना ज्यादा इस बात का आदी बना दिया गया हो, हत्ता कि हमारे यहाँ पंजाब में तो माएं जो है ना वो बच्चों को चीनी वाले पराठों पे लगाई हो लगाया होता है, दूध पीने वाले बच्चे अमूमन चीनी दूध में डाल के पीते हैं। इसी तरह और बहुत सारी मीठी चीजें बच्चों की जिंदगी में शामिल होती हैं जो उन्हें गब्बी बना रही हैं, जहनी सलाहियत कम कर रही हैं। दो बड़ी चीजें, एक स्क्रीन का एक्सपोजर और दूसरा इस तरह मीठे का इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर जो मीठा पैदा किया है, फल मीठे हैं, सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, जायके में मिठास होती है या उनका अपना एक मजेदार जायका होता है। हम उन चीजों को बच्चों का आदी नहीं बनाते, उनके जायके को खलत मलत करके, यानी उनमें चीनी या बहुत ज्यादा नमक और मसाले डाल के उसका आदी बनाते हैं। ये चीजें बच्चे की सेहत को, जहनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाती हैं और उनके अंदर ऐसे सीखने के हवाले से इस तरह के लर्निंग डिसऑर्डर्स के पैदा करने का बायस है जो मुश्किल के वो बच्चे शिकार हो जाते हैं। उर्दू में इब्तदाई तौर पर बच्चे को 12 से 24 हरूफ, अगर पहले 12 पे आपको हदफ बनाए उसके बाद 24 तक ले जाए, ये हरूफ इब्तदाई तौर पर सिखा दिए जाए। उनमें से मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ को पहले दर्जे पर यानी प्री नर्सरी में ना छेड़ा जाए, ठीक है। जैसे से, सीन और सौद में से सिर्फ सीन करवा दिया जाए, जे, जाल, जोय और जौद में से सिर्फ जे करा दी जाए। इस तरह बच्चा जरा आसानी भी महसूस करेगा, तब तक उसकी बुनियाद में कुछ हरूफ जो है वो बहुत पुख्ता हो जाएंगे और फिर बाद में उससे मिलता जुलता हर्फ करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। गब्बी नहीं, कम जहनी सलाहियत वाले जिन्हें आप कहते हैं जो जहीन नहीं होते, जो देर से सीखते हैं, कुंद जहन। कुंद जहन नेगेटिव लफ्ज है इसलिए नहीं इस्तेमाल किया था। यदि ऐसे बच्चे सीखने में देर लगाते हैं, सीखते हैं भूलते हैं, ये एक नॉर्मल रवैया भी है। एक बात याद रखें, इब्तदाई दर्जे में यानी जो जिसको आप प्ले ग्रुप या प्री नर्सरी कहते हैं, आपको बहुत ज्यादा इस बात का तजर्बा होगा। अगर फर्ज करें आपका स्कूल समर से पहले स्टार्ट हुआ, तातीलात से पहले उसने कुछ हर्फ सीख लिए, छुट्टियों के बाद वो आएगा भूल चुका होगा, 2-4 दिन बुखार में मुबतला रह के आएगा, जो उसने पिछले हफ्ते सीखा था भूल जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद कुछ सूरत हाल आपको ऐसी फेस करनी पड़ती है कि बच्चा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में 3 या 4 हरूफ को पहचानने के काबिल नहीं हो पाता। वो मिलते जुलते हरूफ जब ही नहीं, बे के खानदान को वो वैसे पहचानता होगा, बे पे ते टे में वो फर्क नहीं कर सकेगा। अगर वो पे को ते कह देगा, ते को पे कह देगा, जिम चे खे में फर्क नहीं महसूस कर सकेगा, स्वाद जाद में नहीं। ये सारे मिलते जुलते शक्लों वाले हरूफ जो है ना, आवाजों की बात नहीं, शक्लों वाले हरूफ में भी ऐसे बच्चों को मसला होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इब्तदाई तौर पर 12 हरूफ को पहले हदफ बनाया जाए जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और उन्हीं हरूफ से अगर हम बच्चों को लफ्ज बनाना और जुमला बनाना सिखा दें तो क्या ये खूबी की बात है। उसके बाद अगले 12, फिर उसके बाद अगले 12, आसानी से काम हो जाएगा और बच्चे को ये खुशी होगी कि वो बहुत सारे लफ्जों में से कुछ लफ्ज पढ़ सकता है। लफ्ज लफ्ज मैंने कहा, हर्फ नहीं। पहले 12 हरूफ सिखाएंगे, उनसे अल्फाज बनाने सिखा देंगे, उनके अरकान बना के, ठीक है ना, फिर उससे जुमला बनाना सिखा देंगे। चले आगे चलते,
तरतीब ये है, हरूफ तहजी लिखना सीखते हैं बच्चे, फिर अरकान लिखना सीखते हैं, उनकी मदद से लफ्ज बनाना सीखते हैं, फिर जुमला लिखना, कहानी लिखना, खत लिखना, बस फिर आप समझिए कि वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जहाँ खुशी ही खुशी है। लेकिन इससे पहले, उन्हें इस वंडरलैंड में दाखिल करने से पहले खुद हमें खुश रह के सिखाना आना चाहिए। चले आगे देखते हैं कैसे। अब देखें ये जोड़ तोड़ है। अब देखें ना, एक जोड़ तोड़ वो है जिसमें मैंने आंसुओं से रुलाते देखा है अम्मियों को भी, बच्चों को और टीचर्स को भी। बच्चे जोड़ तोड़ याद करते हैं। यहाँ के आप सामने एक फ्रेम है, ये अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी कि मैंने इसको खुद डिजाइन किया। ये लकड़ी का एक फ्रेम है जिसमें एक तरफ से बच्चा बाढ़ डाल रहा है, दूसरी तरफ से टार डाल रहा है, एक तरफ से बाह, फिर दूसरी तरफ लफ्ज खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। अब उसने अरकान सीख लिए हों, हरूफ तहजी की उसे पहचान हो, तो वो लफ्ज खुद बनाता है। इसको हम कहते हैं जोड़ तोड़ फ्रेम। दो वो इसके अंदर टुकड़ियां डालता है, लफ्ज बन जाता है, वो इसको पढ़ता है। वो एक तरफ की टुकड़ी को बाहर निकालता है, तोड़ हो जाते हैं। जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, और जोड़ तोड़ सीखता भी है अमली तौर पे, और इसका मजा भी लेता है, मजा भी लेता है। जी आगे चले। देखिए ये हमारे जोड़ तोड़ सेट है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें आपको ना ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हरूफ नजर आएंगे। सब नहीं है, तमाम सारी हरूफ तहजी नहीं है, सारे अलिफ के अरकान नहीं है, सारे वाव के अरकान नहीं है, सारे छोटी ये के नहीं है, मतलब इस तरह से हैं कि बच्चा इनसे कुछ लफ्ज बना सकता है, और आमतौर पर वो लफ्ज बना सकता है जो उसकी प्रेप जमात की उर्दू की किताब में मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए आम बनेगा, इधर से आ निकाले पहली टुकड़ी, इधर से मीम निकाले। आज बनेगा, ठीक है। आग बनेगा, बनाते जाए। तोता बन रहा है ना, मोर बन रहा है, ठीक है। कान बन रहा है, चोर बन रहा है, टोपी बन रही है भाई, हाँ जी टोपी बन रही है, बाबा बन रहा है, चाचा बन रहा है, दादा बन रहा है। आप देखते जाएं क्या क्या बनता है, और बच्चा इतना मजा लेता है इनसे रूप बनाने में। ये पढ़ना भी है और ये लिखना भी है। बच्चा ना अपने जहन में एक एक कार्ड को पकड़ता है, मतलब फर्ज करें उसने पकड़ा है बा, वो बा लगाता है, वो फिर दोबारा इन पर नजर डालता है, उसको लाम नजर आता है, वो साथ लगाता है, वो पढ़ता है बाल, बाल बाल बन गया। अच्छा चले आगे देखते हैं। एक जोड़ तोड़ का ये तरीका भी है, पिछली दफा भी आपने तस्वीर देखी थी। इसमें हरूफ की छोटी अशकाल इस्तेमाल हो रही है। सौती तरीके में हरूफ की छोटी अशकाल का हिस्सा बहुत कम है, बस जरा सा उन्हें वही तारुफ ही देना होता है, क्योंकि इसमें अरकान की अपनी एक शक्ल है। बा एक मुकम्मल शक्ल भी रखता है, उसकी एक आवाज भी है। जो हमारा पुराने जमाने का तरकीबी तरीका होता था ना, उसमें छोटी अशकाल थी, वहां पे तो हम पढ़ते ही हरूफ के नाम से थे, बे अलिफ बा जी अलिफ जा बाजा, है ना। अब हम पढ़ते हैं बा जा बाजा, ता ला ताला, खुद ब खुद लफ्ज बन जाते हैं और आसान तरीके से बनते हैं। तो बस थोड़ा सा हल्का सा तारुफ इसमें हमने छोटी शक्लों का देना है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो छोटी शक्लों की इतनी मश्क पे बच्चों को परेशान करते हैं, और आप देखें छोटी शक्ल कभी अहमियत के काबिल नहीं होती। आप में से सब लोग तदरीस के उसूल जानने वाले लोग हैं माशाल्लाह। हमने ये पढ़ा आसान से मुश्किल की तरफ, ठीक है, और आसान से पेचीदा की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, ठीक है ना, और कुल से जुज की तरफ। अब हरूफ की अपनी एक शक्ल है, वो कुल्ली शक्ल है, जैसे बेक एक शक्ल है, छोटी शक्ल उसका जुज है। बहुत सारे पब्लिशर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक नया तरीका अख्तियार कर लिया कि इंग्लिश में हम स्मॉल लेटर्स पहले करते हैं, तो चले उर्दू में भी छोटी शक्लें पहले कर लें। भाई छोटी शक्ल की वो हैसियत नहीं है जो स्मॉल लेटर्स की है। इसमें ये एक ऐसी शक्ल है, हम आपको हमेशा ही अल्फाज के अंदर छोटी शक्लें नहीं नजर आती, बल्कि हमारे उर्दू जुबान में तो हरूफ लफ्ज बनते ही छोटी शक्लों के साथ साथ, जब तक उसके अंदर जैसे बाल है, जैसे बाप है, जैसे कान है, नाक है, साथ ही तार है, तारा है, आग है, इनमें देखें फौरी तौर पर बड़े वो मुकम्मल शक्ल भी इस्तेमाल हो रही है। वो मुकम्मल शक्ल है और ये उसकी बदलती हुई शक्ल है। हम बदलती हुई शक्ल को, क्योंकि एक पेचीदा चीज है, बाद में ही मुतारिफ करवाएंगे, पहले नहीं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं जरा। ये देखें, ये भी हमने पिछली दफा देखा था कि ये भी एक पढ़ने और लिखने का तरीका है। आगे चलें। ये है लफ्ज से जुमले तक का सफर।
देखिए ये सांप है, अब दरमियान में सांप रखा, पहले बच्चे ने सीन से सांप भी इसी तरह सीन के गाड़ के साथ सांप रखा, ये गुड़िया है। एक दफा बहुत मजेदार वाक्य मेरे साथ पेश आया, मैं चीचावतनी में सनाबल इंटरनेशनल में ना वर्कशॉप करवा रही थी, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि वो ना पीछे जोड़ तोड़ साइड से मुख्तलिफ चीजें रख के उनके नाम बना दे। तो मैं वर्कशॉप लेती रही और वो ये काम कर रहे थे, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उन्होंने ये वाली गुड़िया रखी हुई और इसके साथ लफ्ज बना हुआ बाजी, मुझे क्या लुत्फ आया इस बात का, ये लंबे बालों वाली गुड़िया उसकी बाजी थी। कैसी मासूम और प्यारी बात, यानी कैसे एक तख्लीकी बात मुझे लगी कि मैं इस गुड़िया को कभी बाजी नहीं समझ सकती थी, जो मेरे बेटे ने इसको बाजी समझा और इसके इसका नाम भी बना दिया। बहुत मुझे मजा आया। अब ये देखें छोटा सा हार है जिसके लिए बच्चे ने लफ्ज बनाया, ये हार है, और आपको हर जुमले के साथ कार्ड के ऊपर एक खतबा नजर आ रहा है, ये प्ले डो से बनाया हुआ खतबा है। जब बच्चा शौरी तौर पर छोटी सी पास पड़ी हुई प्याली में से डो पकड़ता है और उसका हाथ से बना खतमा बना के यहाँ लगाता है, तो दरअसल वो ये सीखता है कि जुमला मुकम्मल ही तब होगा जब यहाँ पे खतमा लगेगा, और एक छोटे से मुन्ने से बच्चे को खतमे का भी पता चल जाता है। अब एक छोटी सी हरे रंग की गाड़ी यहाँ नजर आ रही है और आपको पूरा लफ्ज जुमला बना नजर आ रहा है, ये गाड़ी है, क्या मजे का काम है। आप यकीन करें हमने तो बच्चों पर जुल्म किया जैसे उर्दू सिखाई उन्हें, उन्हें कभी उर्दू मजे की लगी नहीं, तो हमारी उर्दू मजे की उर्दू है। हमने जो इसकी किताबें भी बनाई हैं, हम इसकी जो अमली किताबें हमने बनाई हैं उनका नाम भी मजे की उर्दू है। वो तारे हैं, ये सोफा है, अब ये देखें ये है वो और है, ये सारे बसरी अल्फाज हैं जिनको हम अक्सी हाफजे की मदद से यानी फोटो मेमोरी की मदद से बच्चों को करवा देते हैं और बच्चा इनको इस्तेमाल करके जुमले बनाता है ना मजे की बात। आगे चलते हैं, अब तख्लीक निगारे की हमने नशो नुमा करनी है और उसमें हमने चारों महारतों को इस्तेमाल करना है, सुनने बोलने देखने और यानी पढ़ने और लिखने की। कैसे देखें, चले आगे, देखिए एक तरीका ये है, इससे पहले बच्चा जो सुनने और बोलने में ना इस सेब का तारुफ करवा चुका होगा, मुख्तलिफ तरह के छोटे मॉडल खिलौने या असल चीज जैसे सेब असली भी बच्चा हाथ में पकड़े और उसके बारे में पहले उस्ताद उसका तारुफ करवाए, फिर बच्चा अपनी मर्जी से बच्चा उस पर गौर करेगा। हमने साइंस एंड सेंसोरियल की सेशन में देखा था कि 9 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके बच्चा किसी चीज के बारे में कुछ बोल सकता है, उसको महसूस करता है, जैसे रंग है, जायका है, शक्ल है, उसका हल्का या भारी होना है, उसका इनी साइज, और उसकी कोई अगर आवाज है, कोई जायका है, और उसकी सतह कैसी है, हमवार है, खुरदरी है, ये 9 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके बच्चा अपने इर्द गिर्द की चीजों का तारुफ करवा सकता है। लंबा है, छोटा है, ये सेब है, ये लाल है, ये मजे का, ये मीठा है, मैं सेब शौक से खाती हूँ। अब ये कार्ड जो है वो उनको तरतीब देगा और मजमून बना लेगा, ये इब्तदाई दर्जा है, वो अभी इन लफ्जों को पढ़ सकता है। अब यकीन करें अगर आप उसे सेब पे भी लिखवाना चाहते हैं, इस तरह की पहले वो बोलने की भी मश्क कर चुका है यानी सेब की तारुफ करने की, अब वो इस तरह जुमले बनाएगा सेब के बारे में मुख्तलिफ कार्ड रख के, तो ये उसकी दरअसल लिखने और पढ़ने की दोनों की सलाहियतों की नशोनुमा हो रही है। आगे फिर एक दिन आएगा वो खुद इन लफ्जों को लिखना चाहेगा और वो लिख लेगा, ये बिल्ली है, इसका नाम मानो है, ये दूध पीती है, चूहा खाती है, मैं इससे खेलता हूँ, ये किरात की मश्क भी है, और एक तरह से जब वो एक लफ्ज को ढूंढ के जुमला बना रहा है ना, इस सरगर्मी के अंदर मैंने देखा बच्चे ने ना इस जुमले को इस तरह तरतीब दिया था, मानो इसका नाम है, और इत्तफाक ऐसा है कि उसका एक हम जमात भागा और उसने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की, मैंने उसकी फौरी तौर पे तवज्जो दूसरी तरफ कर दी, और यानी जिस बच्चे ने जुमले की फॉर्मेट में तब्दीली की थी उसने जरा अपनी तरफ से उसको जुमले को पढ़ के भी सुनाया, लेकिन दूसरा चाहता था कि जिस तरह टीचर ने करके दिया हम उसी तरह करें, तो बच्चे को ये ऑप्शन मिलनी चाहिए। बाद अगर जुमला गलत भी होगा, ये पीती दूध है, ये है दूध पीती, इस तरह भी बच्चे कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो जुमले को की तरकीब को समझने के काबिल होते हैं, यहाँ पर उन्हें
आजादी से मिलनी चाहिए, कभी वो गलत करें तो उनकी गलती ना निकाली जाए, वो ट्रायल एंड एरर के प्रोसीजर से गुजर के इसको सीखें। जी आगे अब देखें, ये कहानी है जो प्रेप के आखिर में बच्चों ने लिखी। इससे पहले ये कहानी वो सुनते आए थे, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली भी है। एक दिन भालू पानी में गिर गया, बहुत चोट आई। भाई भागे आए, दादा भागे आए, बाजी भागी आई। भाई ने पानी से निकाला, दादा ने दवा लगाई, बाजी ने दुआ पढ़ाई, अल्लाह जी भालू भाई को अच्छा कर दे। ये एक बच्चे की कॉपी का अक्स है जो मैंने आपके सामने रखा। जी आगे ये देखिए, ये भी एक प्रेप क्लास की बच्चे का खत है। अब देखिए, खाला जान उसका अपना काम था, उसने इसी तरह लिखा। खाला जान के नुक्ता भी जा का नहीं है और नून के अंदर नुक्ता है। मैं आपको भी ये मशवरा दूंगी, इस सतह पर बच्चे की गलती निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चे की जो तख्लीकी सलाहियत है ना, ये उसका इजहार है। आप खुद से कोई चीज लिख के देख लीजिए, कोई आपकी तरफ तवज्जो दिला देना कि यहाँ पे ये नुक्ता रह गया, ये है का के की, तो हमें उस पर गुस्सा आता है। हम ये समझते हैं कि नहीं जी, जो मैंने लिखा उस पर गौर किया जाए। ये छोटी मोटी चीजें हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें अगर आपने यहाँ पर इसरार के साथ गलती निकलवाई और सही करने की कोशिश की, तो बच्चे की तख्लीकी सलाहियत बाद में दब जाती है, उसका एतमाद जो है वो डावाडोल हो जाता है। तो अभी जरा धीरे से, प्यारी खाला जान, अब ये खाला मेरी नजर में कोई गलत नहीं, उसने अपने जहन से सोच के खाला ऐसे बनाया। क्या हाल चाल है, मुझे अच्छे के नुकते नजर आ रहे हैं, वैसे आपको भी अल्लाह के लिए नजर आ गए हूँ। मैंने एक कार बनाई, मैं बहुत खुश हूँ, मोहम्मद मिलहान। अच्छा खत है ना, ये प्रेप क्लास के बच्चों का लिखा हुआ खत है। ऐसे भी जी आगे चलते हैं। अब देखिये, मरहलावार मकासिद पे हम नजर डालते हैं। सबसे पहला कदम इसमें क्या होगा, तहरीरी मवाद या लवाजमात से आशनाई। हमने इसकी उम्र क्या देखी थी भला, वो 18 माह से 2 साल। फिर खोज और जस्तजू दूसरा कदम है, 2 साल से 3 साल तक। फिर तीसरा कदम क्या है, जहन आंख और हाथ की तैयारी। आगे चलते हैं। मिलजुल कर लिखना, आओ लिखते हैं, मिलके लिखेंगे। मिलके लिखने में ये होता है कि बाद औकात आप किसी लफ्ज को लिखना सिखा देते हैं। जैसे प्रेप क्लास की मुअल्लिमा ने मुझसे एक दफा इजाजत मांगी कि मेरे बच्चों ने अस्सलाम वालेकुम लिखना नहीं सीखा हुआ, वो खत लिखना चाहते हैं, बाकी सब कुछ वो खुद लिखेंगे, मैं अस्सलाम वालेकुम लिख के देना चाहती हूँ। मैंने उन्हें कहा आप ब्लैक बोर्ड के सामने लिख दीजिए और बच्चों को बताइए ये लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम, इस चक्कर में ना पड़े कि इसके जोड़ क्या है, और बच्चा जो लिखना चाहता है वो लिख ले, जिसको मुश्किल लगता है वो ना लिखे। क्योंकि मैंने देखा अक्सर इस उम्र में अभी लड़के इतना नहीं लिखना चाहते, थक जाते हैं। आप उन्हें ये गुंजाइश दें, आपका दिल चाहता है तो अस्सलाम वालेकुम लिख ले, नहीं दिल चाहता। और हकीकत है कोई 20 के बच्चे थे क्लास में, उनमें से कोई 10-12 ने अस्सलाम वालेकुम वाला खत लिखा था, बाकी उसके बगैर। अच्छा, उस्ताद की निगरानी में लिखना, ये लिखें ऐसा लिखें, और फिर खुद से लिखना, ये है छठा कदम। यानी तहरीरी सलाहियतों की, तहरीरी जो कि तख्लीकी सलाहियतें भी हैं, उनकी नशोनुमा के लिए ये 6 इकदाम हैं जिनके अंदर से ये मरहलावार मकासिद और स्टेप्स जिनमें से हमने गुजरते हैं। अच्छा, ये फैज रसूल साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, 100% इत्तेफाक है। हम जिस जमाने में जी रहे हैं ना, वहां पर हम इसको कहते हैं मार्केट से रेजिस्टेंस आई। अब आप फैसला कर लीजिए, आप लोगों को इस बात की इजाजत देना चाहते हैं कि वो आपके तरीका कार में आकर रोज तब्दीलियां करवाएं, आपकी मर्जी। आप अपने तरफ से अपने लेवल पर, अपनी सतह पर इतने मजबूत हो जाएं कि कल लोग आपसे मशवरा करने आए, मैं इन मराहल में से गुजरी हूँ। मैं 50 साल की हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, उसने जिंदगी दी, अच्छे काम, अच्छे जिंदगी का मकसद दिया, और मैं इस बात से, अल्लाह की रहमत से, उसकी नेमतों के शुक्र गुजार हूँ कि उसने मेरी जिंदगी को इस तरह के कामों में लगाया।
मैंने तो एक बहुत मामूली सा काम का आगाज किया था। मैंने कभी वो नहीं किया जो लोगों ने कहा। मैं उन्हें बिठाती हूँ, बिठा के समझाती हूँ इसका नुकसान क्या है। देखिए, आप उन्हें इस बात के लिए कायल कर सकते हैं, कल आपके पास ये मौजूद होगी चीज, आपके पास ये काम मौजूद होगा। मैंने आपको जो दिखाया ये वो काम है जो मैंने करवाया है मेरी निगरानी में, कुछ और स्कूलों ने करवाया, आपको पसंद आया होगा। वही माँ बाप कल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आएंगे। हम बहुत सारी और बातों पे भी करते हैं पेरेंट्स के साथ तारुफ, उन्हें जहां से उनसे वक्त ले लें, उन्हें बताएं कि गलती निकालने से बच्चे के एतमाद में कमी आ जाती है। दूसरी एक और चीज हो सकती है, जब आप इस तरह का काम करवाएं, तो घर भेजे ना। मैंने ऐसे भी किया। जिस चीज को हम सब मिलके स्टाफ के साथ बैठ के लुत्फुंदोज होते थे, आज हमारे बच्चे ने ये किया, आज हमारे बच्चे ने ये किया, फिर हम एक और काम करते थे मदर मीटिंग्स के अंदर। हम वो बच्चों का काम डिस्प्ले करते थे और पेरेंट्स को बताते थे, ये देखिए इसने ये किया, इसने ये किया। अब प्रेप क्लास का बच्चा सेब के बारे में अपने पास से जुमले लेके, मोर के बारे में, एक बच्चे ने जहाज के बारे में, उसके हाथ में प्लास्टिक का जहाज पकड़ाया। मैंने कहा बेटे इसके बारे में 5 या 6 जुमले लिख दो। उसने कहा मैं 10 लिखूंगा। मैंने कहा ठीक है आप 10 लिखे, आप बच्चे के लिए चैलेंज बना दें। उसने यकीन करें प्रेप क्लास की किताब में जहाज का लफ्ज नहीं था, उसने जहाज लिखा था जी अलग, हे लिफा और जे अलग, और ऐसे मजेदार और खूबसूरत जुमले थे। एक बच्चे को हमने प्लास्टिक की गुड़िया पकड़ाई, किसके बारे में वो जुमले लिखे, कितने लिखे अपनी मर्जी से, जितने मर्जी लिख दे। वो कुछ देर बाद वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा मैडम इसके जूते सफेद हैं, मुझे सफेद नहीं लिखना आता, जूते काले भी होते मैं काले लिख लूं। मुझे कदर मजा आया, इतना मजा आया। मैंने सोचा ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप भी इत्तेफाक करेंगे। आप इस तरीके से पढ़ा के देखिए, मेरे 20 साल इस बहर में कि तलातुम खेज मौजों में गुजरे हैं। मैंने बच्चों के साथ कम काम करवाया, मैंने माओं के जहनों को बदला, मैंने वालदेन को जो है ना उनके साथ रबते मजबूत रखे, मैंने स्टाफ को टीचर्स को सिखाया, और मैंने ये देखा ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इस कदर मजेदार तरीका उर्दू सिखाने का, अगर आप जानते हो तो मुझे जरूर सिखाइए, मैं हाजिर हूँ। जी प्लीज कोई सवाल हो। चंद मिनट रहते हैं हमारे सेशन के अख्तिताम के, अगर आपको भी सवाल करना हो। ये सजाद साहब के पास जाएगा सवाल, मुझसे आप सवाल करें सेशन के हवाले से, उर्दू पढ़ने लिखने में जो आपके स्कूलों में बच्चों को मसाइल का सामना करना पड़ता है उसके हवाले से। एक बात ना फैज रसूल साहब ने कही, जो कही थी ना कि अगले दिन घर से आएगी, बात ये है कि जो लफ्ज अभी बच्चे ने पढ़ा नहीं है तो उसे लिखना नहीं आएगा, जो उसने सुना है, जिसको बोला है और फिर लिखा हुआ कहीं पढ़ भी लिया है, उसका इम्कान है कि वो सही लिख ले, लेकिन उसमें भी इम्कान है वो गलती कर सकता है। देखिए एक दफा एक बच्चा ना अपने बारे में मेरे पास लिख के लाया, उसने उसमें लिखा हुआ था मुझे बिस्किट पसंद है, मुझे भी गलत था बिस्किट भी गलत था, मुझे उसने लिखा हुआ था मीम वाओ और जीम बढ़िए। उसकी मुअल्लिमा ने मुझे कहा मैं इसकी गलती निकालना चाहती हूँ, ये इसने बहुत अच्छा लिखा है, सिर्फ ये लफ्ज गलत है। मैंने उसे कहा बेटे पहले आप ये बात काम करें कि मुझे ना प्रेप क्लास की किताब में से मुझे जितने सफ़े इसने पढ़ रखे हैं उनमें से मुझे क्लास ढूंढ के दिखा दे, अगर तो इसने पढ़ लिया तो दुरुस्त करने की तुक है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर नहीं। उसने कहा नहीं अभी नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा जब पढ़ेगा सही भी कर लेगा, अभी जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। अभी तो उसने जो क्रिएट किया, जो तख्लीक किया, उस पर खुश हो लेने दे, उसे भी और मुझे भी। शुक्रिया भैरल, आपकी तरफ से सवाल हो तो अच्छा लगता है, सवाल किया कीजिए, सवाल करने दीजिए बच्चों को, सवालों के जवाब भी दीजिए और जवाब भी लीजिए। दुआ करते हैं आखिर में, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
हाँ।